अच्छे स्टॉक्स की न्यूज और अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल रिस्क स्टॉक्स और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हेलो गाइस एंड अगेन वेलकम टू माय चैनल रिस्क स्टॉक्स। मैं अक्सर इस चैनल पे आपके लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स का रिव्यू लेके आता हूँ, ऐसे स्टॉक का रिव्यू करता हूँ जो कि आपको पैसा कमा के दे। तो इसी सीरीज में आज एक स्टॉक लेके आए हैं, एक ऐसी थीम से बिलोंग करता है जिसको लोग बहुत लाइक करते हैं। जब भी मैं न्यूज चैनल्स या कोई भी आर्टिकल पढ़ता तो उसमें इसकी खास जगह, लोग इसके बारे में बात करना लाइक करते हैं, लोग इनको बाय भी करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर थीम से रिलेटेड स्टॉक्स की, चाहे आप हटको की बात कर लो, चाहे एनबीसीसी की बात कर लो, उसी से रिलेटेड एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ जिसका नेम है एनसीसी लिमिटेड। ठीक है, तो इनका काम क्या है, इनकी वेबसाइट बेसिकली आपके सामने है तो आप देख सकते हो को इनका, जो आप देख सकते हो बिजली के टावर लगाना, हाईवेज बनाना, फ्लाईओवर बनाना, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाना, बिल्डिंग हाउसिंग मींस इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग ही इनका काम है। तो एक ऐसा स्टॉक है जो आई थिंक हटको और एनबीसीसी से अच्छी हालात में चल रहा है, उनके कंपैरेटिव इसके जो नंबर्स हैं, इसके जो फंडामेंटल्स और ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपके सामने ये स्टॉक लेके आया हूँ और आई थिंक ये स्टॉक में भी आपका पैसा डबल भी कर सकता है। तो ये आपका पैसा डबल क्यों करेगा, सबसे पहले इसको अगर ये बात बोली जा रही कि ये आपका पैसा डबल कर सकता है, चलो डबल ना सही, आपका 50% या 60% रिटर्न भी दे देता है कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि देखो बहुत टाइम से मार्केट में ये कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक पीक पे चल रहे हैं, इन पे पैसा लगाओ, ये आपको रिटर्न देंगे, आपको पैसा कमा के देंगे, ऐसी बहुत सारी बातें, मतलब ये कहते हैं कि ये जो एक सेक्टर, ये चलने वाला सेक्टर, लेकिन आई थिंक अभी तक चला ही नहीं, बस बातें होती इसकी। क्यों? क्योंकि आपको ही पता हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इन चीजों पे काफी फोकस कर रहे हैं, हाउसिंग पे, कंस्ट्रक्शन पे, हाईवे पे, ब्रिजेस पे, तो सो डैट इन स्टॉक्स की डिमांड काफी होगी। लेकिन इस स्टॉक में, एक स्टॉक जिसकी हम बात कर रहे हैं एनसीसी, इसको क्यों बाय करना है, इस देखो इसको सीधा बाय करने का मैं आपको दो ही रीजंस बताऊंगा, इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। पहला कि इस स्टॉक की, इस कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने आपके सामने एक न्यूज ओपन की, विल अटेन ऑर्डर इनफ्लोस वर्थ ₹12,000 करोड़ इन FY18 फाइनेंशियल ईयर 18 सेज एनसीसी। तो एनसीसी का कहना है कि उनके पास 12,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, मतलब आप सोच लो 12,000 करोड़ की ऑर्डर बुक आने वाले टाइम के लिए, इनके पास बहुत सारा काम है। तो अगर इनके पास काम है, ऑर्डर बुक है इतने हजार करोड़ का, तो ऑब्वियस है ये कंपनी आने वाले जो भी तिमाही आएंगे, जो भी क्वार्टर रिजल्ट्स आएंगे, उनमें अच्छे नंबर्स लाएगी, अच्छा परफॉर्म करेगी। तो अगर अच्छे नंबर्स आते हैं, अच्छा मुनाफा आता है, तो अल्टीमेट आपका ही प्रॉफिट होता है। तो ये एक इसका रीजन है। बाकी छोटी छोटी हेडलाइंस मैं आपको और दिखा देता हूँ इसके रिगार्डिंग, आई होप आपको और अंडरस्टैंडिंग बने। तो आपके सामने ये फ्राइडे 10 अगस्त, 10 अगस्त, ठीक है, इनका नेट प्रॉफिट जो उसकी बात हो रही है, अगर आप 3 जुलाई की बात करो तो इनके पास ऑर्डर आया लगभग 2000 करोड़ का, ठीक है। अगर आप मंडे 4 जून की बात करो तो रिसीव न्यू ऑर्डर ऑफ ₹330 करोड़ का ऑर्डर मिला इनको, ठीक है। अगर आप 1 जून की बात करो तो इन्होंने मुंबई नागपुर हाईवे एक्सप्रेस का कॉन्ट्रैक्ट विन किया। तो अगर आप जैन टू मार्च बात करो तो 102 करोड़ के इनके पास लगभग ये था इनकी इनकम है। अगर आप 4 मई की बात करो तो उनके पास ऑर्डर आया है 1276 करोड़ का। तो टोटली ये काफी ऑर्डर्स हैं इनके पास, इनके पास काम है, कंपनी के पास अगर काम है तो ऑब्वियस है वो काम करेंगे, मुनाफा कमाएगा, जब मुनाफा कमाएंगे तो आपकी जेब में पैसा आएगा। तो इसीलिए मैंने लिखा था कि ये स्टॉक में भी आपका पैसा डबल कर सकता है, तो ये एक रीजन है। सेकेंड रीजन बहुत कॉमन सा रीजन है, चाहे आप मानो ना मानो, मान भी सकते हो कि अगर मोदी गवर्नमेंट रहती है तो आपको पता कि उनका जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे वगैरह पे काफी रहता है, हाउसिंग पे है, तो ऐसी कंपनीज का ग्रो करना, मतलब कि काफी परसेंटेज वेटेज आता है इस बात पे कि ये कंपनीज ग्रो करेंगी। तो अगर हम इस एनसीसी लिमिटेड की करंट प्राइस की बात करें तो आपके सामने ये 101 रुपए का चल रहा है, और मैं बता दूं कि मैंने भी इसको जब बाय किया तो 80 रुपीज के ऊपर स्टैंड कर रहा था ये स्टॉक। तो आप देख भी सकते हो, कुछ महीने की बात, एक दो महीने पहले ये स्टॉक 80 रुपए पे स्टैंड कर रहा था, तो बाय किया था। आप मुझे अच्छा लग रहा है, वैसे आपको भी अच्छा लगे, भगवान, मैं चाहता हूँ भगवान ऐसे ही करे। तो अगर आप सेंटीमीटर की बात करो मनी कंट्रोल की, जो कि एक ऑडियंस पोल, समझ लो ऑडियंस अपने व्यूज देते हैं, तो इसमें 82% लोग कह रहे हैं कि इसको आप बाय करो, 9% होल्ड के लिए कह रहे हैं, 9% सेल के लिए कह रहे हैं, मीन 90% लोग आपको कह रहे हैं कि इसको बाय कर सकते हो आप। तो आपको पता चल गया कंपनी क्या करती है, ठीक है। अब इसकी डिलीवरीज देख लेते हैं, करंट डिलीवरीज क्या चल रही है। अगर आप स्टॉक की बात करो
तो जो क्वांटिटी ट्रेड हो रही है वो लगभग 48 लाख 48 लाख शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, जिसमें से 12 लाख डिलीवर हो रहे हैं, और जो डिलीवरी निकल के आ रही 27% निकल के आ रही, मींस स्टॉक बहुत ही कम लोगों को मिल रहा है, लेकिन जिनको मिल रहा है आई होप वो मुनाफा कमा लें। तो अब करते हैं इसकी बात टेक्निकल्स की, फंडामेंटल्स की और शेयर होल्डिंग की। अगर आप टेक्निकल्स की बात करो तो इसने 1 वीक में 3% लगभग 4% कह सकते हो इसको मुनाफा दिया है, 1 मंथ में 26%, 3 मंथ्स में थोड़ा माइनस में रहा, ईयर टिल डेट में 24 माइनस में रहा, क्योंकि आपको पता है इस टाइम में मिड कैप्स की अच्छी पिटाई हुई। 1 ईयर की बात करो तो 60%, 2 ईयर्स की बात करो तो 19%, 3 ईयर्स की बात करो 28%, 5 ईयर्स में सिर्फ 700% तक का रिटर्न दिया है। अगर आप इसकी फंडामेंटल्स की बात करो तो मार्केट कैप लगभग 6,000 करोड़ का है, ठीक है, स्मॉल कैप आ जाता है ये। अगर अर्निंग पर शेयर करो तो 5.44 है, अगर पीई रेशियो देखो तो 18 है, मींस 18 इससे एक्सपेंसिव नहीं है, अभी सही वैल्यूएशन पे आपको स्टॉक मिल रहा है। इंडस्ट्री पीई रेशियो तो माइनस में जा रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ठीक है, आप बाय कर सकते हो इसको। तो डिविडेंड यील्ड 0.99 है, इसके ऊपर मतलब कर्जा भी ना के बराबर ही समझ लो, बहुत कम है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉफिट की, इनको जो लास्ट तिमाही में कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आप इसमें देख सकते हो लगभग प्रॉफिट विद द टैक्स इनके पास जो 160 करोड़ का, अभी जो लास्ट क्वार्टर रिजल्ट में 160 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से टैक्स 56.69 टैक्स निकल जाए, और टोटल ऑल ओवर प्रॉफिट जो 103 निकल, 103 रुपए का निकल के आता है। अगर आप शेयर होल्डिंग की बात करो तो आपके पास 18% स्टॉक जो है प्रमोटर्स के पास है, ठीक है, सिर्फ 18% स्टॉक प्रमोटर के पास है, और 81% जो पब्लिक पास है, जिसमें से 16% FI घुसे हुए हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा है, 31% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास पैसा है, और 33 मींस पब्लिक के पास है। तो आप देख सकते हो कि इसमें म्यूचुअल फंड वगैरह जहाँ फॉरेन इंस्टीट्यूशन वगैरह ने काफी स्कीम में पैसा लगाया होगा। जब ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन किसी स्टॉक में पैसा लगाती तो आपको ही पता है उनका बहुत बड़ा रीजन होता है, उनके पास बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, टेक्निकल्स होते हैं, बहुत सारे प्रेडिक्शंस के बाद वो किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं, तो इसका अल्टीमेट फायदा आपको ही मिलता है, आपके माइंड में पॉजिटिव परस्पेक्टिव आता है कि हाँ ये स्टॉक मेरे लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। तो ये इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न थी। तो ये फुल आपके सामने एक रिव्यू था एनसीसी स्टॉक का, बाकी मैं चाहूंगा कि देखो 10 मिनट्स में जितना कवर कर सकता था मैंने कर लिया, बाकी आप खुद भी स्टॉक के बारे में स्टडी करो, इसको अपनी वॉच लिस्ट में डालो, इसकी कंपनी के बारे में जानो, ऑर्डर बुक को सर्च करो, कितने टाइम में प्रॉफिट दे सकता नहीं दे सकता, सारी स्टडी करो, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप इस स्टॉक को बाय करो। बाकी प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सो डैट कि मैं आपके लिए ऐसे स्टॉक्स की वीडियोस ही लाता रहूं। थैंक यू गाइस।